हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल अगेन। इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे थंबनेल, और वही वाला थंबनेल जो इस वीडियो के थंबनेल पे तुमने देखा होगा। आई हैव दिस टेम्पलेट हियर, ओके। मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है पहले से अपने सारे थंबनेल में, मैं यही फॉर्मेट यूज करता हूँ। आई हैव दिस ओवरले कॉम्पोजिशन जिसमें शेप लेयर्स है कुछ और टेक्स्ट है, और आई यूजुअली जस्ट गो एंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ जो भी मुझे टेक्स्ट चाहिए होता है। दिस इज वीडियो 19, तो मैंने 19 कर दिया है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैंने रेड कर दिया है, उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड आई हैव दिस आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्पोजिशन, तो बेसिकली ये ए का लोगो था जिसके ऊपर मैंने कुछ इफेक्ट्स लगा के उसको ऐसा व्हाइट आउटलाइन में क्रिएट किया हुआ है। एंड लास्टली आई हैव दिस मेन कॉम्पोजिशन जिसमें ओवरले और आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो मैं लाके रखा हुआ है, एंड इनको मैं बाद में इनेबल कर दूंगा। और लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो हमें थंबनेल में चाहिए होती है वो दो चीजें चाहिए बेसिकली, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए मैं यूजुअली आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस यूज करता हूँ, तो प्रिंट स्क्रीन जो तुम्हारे कीबोर्ड पे है जस्ट उसको होल्ड करके रखो एंड देन जस्ट ऐसे ड्रैग करके तुम स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक पिक्चर्स में जाके स्क्रीनशॉट्स, एंड जो स्क्रीनशॉट मेरे पास एक पहले का भी है बट आई विल ब्रिंग दिस वन, और इसको मैं नेम दे देता हूँ बैकग्राउंड, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा अपनी टाइमलाइन के ऊपर। सो आई हैव दिस बैकग्राउंड जो कि आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस है। नेक्स्ट थिंग जो हमको चाहिए वो है कोई कैरेक्टर, राइट। तो मैं पिंटरेस्ट खोलूंगा, आई हैव दिस वॉलपेपर एक्चुअली सेव्ड, और ये इटाची का है, तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा। एंड ऑब्वियसली इटाची ये पूरा रेड रेड तुमको दिख रहा है, इसीलिए मैंने उस टेक्स्ट को रेड किया हुआ है, और ये डाउनलोड हो गई है। बट आई एम सो श्योर कि ये क्वालिटी जो है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई आई विल गो टू एन वेबसाइट, ये है upscale.media। आई विल गो टू अपलोड इमेज, और जो मैंने अभी फाइल डाउनलोड की है इटाची की, आई विल जस्ट अपलोड इट एंड देन इनहांस क्वालिटी को ऑन कर देना है एंड देन डाउनलोड द इमेज, और इसको मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इम्पोर्ट कर लूंगा। तो द नेम ऑफ द इमेज इज एक्चुअली कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म, तो मैं इसको लेकर आ गया हूँ, इसको मैं रीनेम कर दूंगा, लेट्स कॉल इट कैर सो दैट वो टाइमलाइन पे अपना ज्यादा स्पेस ना ले, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा ताकि मेरे पास एक सेपरेट कॉम्पोजिशन बन जाए कैरेक्टर का। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मास्क इट, सो मैं वीडियो को अभी पॉज कर लूंगा और मास्क करने के बाद कंटिन्यू करता है। ओके, सो मैंने जो कैरेक्टर है उसको मास्क कर लिया, और उसको मैं इस मेन कॉम्पोजिशन में लेके आ गया। यहाँ पर दो चीजें की है मैंने, कैरेक्टर को सेपरेटली मास्क किया हुआ एक्चुअली, और उसके पीछे जो चेयर है वो वाला सीन अलग है बिकॉज मैं उसको ब्लर करूंगा बाद में। तो वी हैव दिस, नाउ बीच में इन दोनों लाइक बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बीच में कुछ एलिमेंट्स तुम ऐड कर सकते हो तुम्हारे थीम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मास्किंग का ट्यूटोरियल बना रहा हूं, तो मैंने वो पेन टूल लगा दिया था। अगर तुम पार्टिकल्स बना रहे हो तो पार्टिकल लगा सकते हो, रिंग वाले में मैंने रिंग लगा दिया था। सो यू कैन ऐड सम एलिमेंट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक अगर तुम किसी ट्यूटोरियल का बना रहे हो या एनी अदर एलिमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो मेरे पुराने चार ये थंबनेल्स है इनको डाउनलोड किया हुआ है, ओके, एंड आई विल जस्ट ब्रिंग देम, और इनको मैं कैरेक्टर के पीछे लगा दूंगा। नाउ इनका स्केल जो है वो मैं कम कर रहा हूं, अराउंड 40 कर लेता हूं। नाउ इनकी पोजीशन वगैरह जो है उसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो हमने जो हमारे सारे एलिमेंट्स है उनको इम्पोर्ट कर लिया, अब इनको हमको सेपरेटली अलग अलग बस सेट करना है। तो लेट स्टार्ट डूइंग दैट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन जो चारों थंबनेल इनको प्री कंपोज कर लूंगा, और इनको नाम दे देते हैं थंबनेल, ताकि ये एक अकेली लेयर पे आ जाए सारे, देन आई विल डिसेबल इट। उसके बाद मैं अपन बैकग्राउंड के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले वी हैव दिस बैकग्राउंड, एक मैं एडजस्टमेंट लेयर लूंगा, एंड द रीजन आई एम एडिंग एडजस्टमेंट इज अगर बाद में मुझे कोई बैकग्राउंड रिलेटेड एलिमेंट ऐड करना हुआ तो वो भी साथ ही साथ अफेक्ट हो जाएगी, मुझे बार बार इंडिविजुअल हर लेयर पे इफेक्ट्स कॉपी नहीं करने पड़ेंगे इन केस इफ आई डू दिस। मैं अब सीसी लेंस इफेक्ट ऐड करूंगा, और यू विल सी एक उसने इस तरह से अजीब सा कुछ किया हुआ है। यू जस्ट नीड टू इंक्रीज इट्स साइज जिससे हमको ये थोड़ा सा डेप्थ का लुक मिलता है, एंड आई जस्ट लाइक इट। सो इसको मैं थोड़ा स्केल कर दूंगा सो दैट आई डोंट हैव दैट वियर्ड वाइट एरिया। और इसके बाद में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे एक फास्ट बॉक्स ब्लर, और इसकी साइज तुम 3 या 4 कितना भी रख सकते हो। द आइडिया इज टू मेक दिस बैकग्राउंड ब्लर्ड ताकि उस पर ज्यादा फोकस जाए ही ना। वैसे तो हम सामने भी एलिमेंट लगाएंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल इट्स बेटर कि तुम इसको थोड़ा ब्लर कर दो। एंड लास्टली मैं इसके ऊपर लगाऊंगा एक विग्नेट, तुम कोई भी लगा सकते हो, मैं यूजुअली एस विग्नेट लगाता हूँ, एंड इसका स्मूथ कर्व इंक्रीज कर देंगे। रेडियस वगैरह तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो वी हैव दिस कैरेक्टर नाउ एंड वी हैव द बैकग्राउंड, इट इज ऑलरेडी लुकिंग सो गुड। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली टेक्स्ट, सो लेट्स ऐड टेक्स्ट और उसको 3D बनाना, और बाकी सारे उसके लुक वगैरह सारी चीजें हम करते हैं। ओके, तो हम ऐड करेंगे टेक्स्ट, एंड आई विल जस्ट ऐड हाउ आई मेक माय थंबनेल्स, आई थिंक दिस इज गुड। कंट्रोल अल्ट होम, कंट्रोल होम, जिससे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। इसको मैं व्हाइट कर दूंगा, वैसे कलर से फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल मैं इसको व्हाइट। देन मैं फॉन्ट जो यूज करता हूँ वो है इम्पैक्ट या फिर रोबोटो या रेट्रोइका। ओके, अभी इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, जस्ट सो दैट इट इज एटलीस्ट अ बिट विजिबल। थंबनेल को मैं नीचे लेके जाऊंगा, इसकी साइज को मैं इंक्रीज करूंगा जब तक कि वो पूरा
इक्वल लेंथ के ना हो जाए दोनों, एंड आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड। तो दिस इज माई टेक्स्ट, तो आई विल एड इन अ सॉलिड लेयर, इसको मैं नाम दे दूंगा एलिमेंट। इसके ऊपर हम लगा देंगे इफेक्ट जो कि हमारा एलिमेंट 3D, तो एलिमेंट 3D ऐड कर दो। एंड देन हमको जाना है कस्टम लेयर पे, कस्टम टेक्स्ट, और यहाँ पर जो हमने अभी ये जो टेक्स्ट बनाया है उसको लगा दिया। अब ये टेक्स्ट हमको पूरा प्रॉब्लम देगा, तो इस पे ये कुछ इनेबल करके यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, सो दैट इट इज नॉट विजिबल हियर। सिमिलरली ओवरले को भी अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, और वी हैव द एलिमेंट लेयर। अभी हम एलिमेंट लेयर पे जाएंगे सीन सेटअप के अंदर, और इट विल टेक 10 इयर्स टू ओपन। अभी यहाँ पर हम इसको कर देंगे एक्सट्रूड, एंड जो हमने टेक्स्ट लिया था वो यहाँ पर आ गया। तुम अगर डिटेल में जानना चाहते हो ये सारी चीजें कैसे काम करती है, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो बाय द वे। तो वी हैव 3D टेक्स्ट, और यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं 3 बेवल की कॉपीज बनाता हूँ और इसको मैं रिलेटिव कर दूंगा। नाउ यू कैन सी हमारे पास 3 अलग बेवल्स आ गए यहाँ पर। अब तीनों को एडजस्ट करना है, जो सबसे पहले वाला है तो बाकी को मैं डिसेबल कर देता हूँ फॉर नाउ। सबसे पहला वाला है उसको मैं थोड़ा एक्सट्रूड कर दूंगा, थोड़ा सा थिक। देन इसमें जो ये एक्सपैंड एजेस है इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा, ये वाला बेवल लगाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो एक्सट्रूड है उसको कम कर लूंगा, बिकॉज ये मुझे कम ही चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक इतना काफी रहेगा, यस आई थिंक राइट। और जो लास्ट वाला है इसको मैं इनेबल करूंगा, इसके ऊपर ये बेवल आउटलाइन जो है इसको मैं इनेबल कर दूंगा, सो सिर्फ उसके आउटलाइन विजिबल है अपने को। इसका एक्सट्रूड भी कम कर देंगे, एंड आई विल मेक श्योर दैट इट इज सिटिंग राइट ऑन टॉप ऑफ द फ्रंट टेक्स्ट। सो वी हैव 3 बेवल्स हियर, ओके आई विल हिट ओके, और यू कैन सी ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, बट इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं बिकॉज इतना बड़ा और ये एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं चाहिए। तो मैं जाऊंगा पार्टिकल लुक में, और मैं इसकी साइज 8 कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट शोइंग एवरीथिंग इन डिटेल, क्योंकि सारे टॉपिक के ऊपर मैं ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, 3D टेक्स्ट मास्किंग वगैरह वगैरह, इट्स जस्ट थंबनेल ट्यूटोरियल। और ये चीजें अगर तुम्हें सीखनी है तो तुम इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स डिटेल में देख सकते हो, ओके। तो मैं जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा नीचे लेके आया हूँ, सो दैट जो फेस है वो पूरा क्लियरली विजिबल हो कैरेक्टर का। एंड देन आई विल ब्रिंग इट अ लिटिल मोर हियर, आई थिंक दिस मच लुक्स गुड इनफ। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट आई यूजुअली क्रिएट। फर्स्ट वन जिसमें जो फ्रंट वाला टेक्स्ट है दिस वन, वो या तो ब्लैक रहता है या फिर उस पे कलर रहता है, डिपेंड करता है। लेट्स ट्राई, ओके आई विल गो टू प्रीसेट, और यहाँ पर जो मेटल है इसके अंदर मैं सबसे पहले जो पीछे वाला है उसको थोड़ा सा डार्क कलर दूंगा, डार्क बट मेटल करके, जब हम डीप ग्लो लगाएंगे ताकि तब वो डीप ग्लो ना करे। इसको ड्राफ्ट टेक्सचर को मैं डिसेबल कर रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर समथिंग रफ एंड ब्लैक। दिस लुक्स एक्चुअली नाइस, ओके दिस वन लुक्स गुड। और जो ये आउटलाइन वाला है हमारा, दिस आउटलाइन इसको मैं व्हाइट ही रहने दूंगा, ताकि वो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्लियरली रीडेबल हो बाद में। अगर हम टेक्सचर भी लगा रहे हैं तो बाद में एटलीस्ट वो आउटलाइन रहेगी ना, तो अच्छे से पढ़ने में आएगा। और जो मिडिल वाला है उसको मैं ये गोल्ड दे देता हूँ, बट इसमें हमको गोल्ड कलर नहीं चाहिए, हमको रेड चाहिए। तो मैं रिफ्लेक्शन में जाऊंगा, रिफ्लेक्टिविटी, और इसका कलर जो है वो रेड कर दूंगा लाइक दिस। सो वी हैव दिस शाइनी रेड टेक्स्ट, और जिसपे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और व्हाइट कलर की आउटलाइन है, ठीक है। तो आई विल हिट ओके, एंड वी हैव द टेक्स्ट हियर। अब इस टेक्स्ट को हमको बहुत ज्यादा एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं सम लाइट। अभी हम ऐड करेंगे कुछ लाइट्स, तो मैं एक लाइट ले रहा हूँ, एंड इसकी इंटेंसिटी को हम 1000 कर लेते हैं फॉर नाउ, एंड सेट इट टू स्पॉटलाइट। अगर तुम देखोगे वैसे ये टेक्स्ट को अफेक्ट कर रहा है, यू कैन सी जो लाइट है वो टेक्स्ट को अफेक्ट कर रही है, बट कैरेक्टर को तुम देखोगे तो उसके लेफ्ट टॉप साइड से जो है वो लाइट्स आ रही है, तो मैं वहीं पे इस जो लाइट है उसको लगाऊंगा। आई विल चेंज द कैमरा, इसको मैं कर लेता हूँ टॉप, तो हम ऊपर से इन चीजों को देख रहे हैं अभी। I will just pull this light here, और इस मतलब इसकी जो point of interest है उसको change करके ऐसा कर लेता हूँ। सो हमने जो है light add कर दी एक, जो कि almost जो हमारा ये है टॉप लेफ्ट है वहां से लाइट्स आ रही है हल्की सी, एंड इट इज गिविंग जस्ट टाइनी बिट ऑफ डिटेल टू दिस। और एक और मैं इस लाइट को डुप्लीकेट करूंगा, और इस लाइट की सेटिंग्स में जाऊंगा, देन आई विल सेट इट टू पैरेलल लाइट, ओके। और इसको मैं टॉप पे जाता हूँ फिर से, देन इस पैरेलल लाइट को मैं एक्चुअली इस जो हमारा टेक्स्ट है के पीछे लगा दूंगा, आगे ऐसा लगे कि जो टेक्स्ट है उसके पीछे से भी थोड़ी लाइट आ रही है, एंड इट विल बिकम मोर रीडेबल टू अस। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं डिफरेंस, तो यू कैन सी इट इज गिविंग इट अ बिट मोर ऑफ, देन इसका कलर जो है मैं वो रेड कर लूंगा, विच विल सूट आवर सीन एज वेल, ओके। नाउ ये जो टेक्स्ट है ये सिंपली बस ऐसा प्लेन है, बट हमको इसको रोटेट करना है, इसको जो थोड़ा डीफॉर्म करना है। फॉर दैट वी विल जस्ट गो टू द पार्टिकल लुक, इसमें तुम्हारे पास डीफॉर्म ऑप्शन है, तुम्हें इनेबल करना है ट्विस्ट, एंड तुम्हें इनेबल करना है बैंड। जो यूजुअली मैं करता हूँ वो बैंड एंगल में इंक्रीज करूंगा, like this much will be enough, around 30, 40, 50, depend करता है।
हमारे टेक्स्ट के ऊपर और फिर इसके बेंड डायरेक्शन चेंज करेंगे सो वो ऐसा कर्व हो जाएगा हमारे कैरेक्टर के आसपास। एंड आई लाइक दिस लुक, तुम इसको इंटेंस भी कर सकते हो, तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू द टूल्स। और इसके बाद में तुम्हें ट्विस्ट चेंज करना है तो तुम कर सकते हो एंड इट विल गिव इट मोर ऑफ यू नो ट्विस्ट। ओके सो मैंने जो टेक्स्ट है उसको पूरा एडजस्ट कर लिया है, मैंने उसको सॉर्ट ऑफ बेंड वगैरह भी कर लिया है। नेक्स्ट थिंग जो मैं टेक्स्ट में ही करूंगा वो है रेंडर सेटिंग्स में जाऊंगा एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन में जाऊंगा एंड इसको मैं इनेबल कर दूंगा। सो देयर वी हैव बेटर शेडोज एंड बेटर हाईलाइट एंड लास्टली आई विल गो टू द आउटपुट और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो सो दैट यू हैव जो रेजोल्यूशन है इस पर टेक्स्ट का वो थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा क्लियर दिखे तुम्हें ये टेक्स्ट। नाउ व्हेन आई हैव डन दिस इसको मैं कर देता हूँ बंद। ओके नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द थंबनेल्स। अभी जैसे ये थंबनेल्स तुम्हें दिख रहे हैं नॉर्मली ओके, बट इसको हम इसके पूरे लुक को चेंज करना है एंड एज वी नो कि हम रेड थीम पे जा रहे हैं सबसे पहले इन थंबनेल को हमने रेड कर लेते हैं। तो ये अभी सबका कलर अलग अलग है, मैं जाऊंगा न्यू एडजस्टमेंट लेयर और इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा लुक्स इफेक्ट। जो थंबनेल्स है उनको मैंने एक सिंगल कलर का कर लिया है। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यू कैन सी वो हमारे यहाँ पर आ गए। अभी मैं इसके ऊपर जो ये बैकग्राउंड के इफेक्ट है सीसी लेंस फास्ट बॉक्स ब्लर रिंग नेट कंट्रोल कॉपी मैं कंट्रोल सी एंड थंबनेल्स के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड यू विल सी हमारे पास वो जो थंबनेल्स है वो एक वियर्ड लुक में आ गए हैं। नाउ इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले फास्ट बॉक्स ब्लर नहीं चाहिए मुझे, थंबनेल्स में जाके इनका रोटेशन जो है मैं वो थोड़ा चेंज कर दूंगा। दिस इज हाउ दिस इज लुक इट इज लुकिंग। अभी ऊपर जो मैं ब्लर ऐड करूंगा वो एक्चुअली डायरेक्शनल ब्लर है, आई विल ऐड एस डायरेक्शनल ब्लर के अमाउंट को मैं 50 कर लेता हूँ और एंगल को 0 कर दूंगा। सो दे आर विजिबल, दे आर बैरली विजिबल ओके, लाइक वो उन पे ऐसा डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, वो दे आर विजिबल। इसके ऊपर विग्नेट ऐड कर देते थोड़ा, उसके अलावा ब्लर डायरेक्शन में जाके ब्राइटनेस बढ़ा देते थोड़ी सी। ओके दिस विल लुक गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम चेंज करेंगे वो है मैं ये फास्ट बॉक्स ब्लर को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस चेयर के ऊपर लगा देता हूँ, जो चेयर है इसके ऊपर भी उतना ध्यान न जाए, ये भी थोड़ी ब्लर हो जाए। हमने जो टेक्स्ट है इसको ऐड कर लिया, अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा डीप ग्लो। तो मैं एलिमेंट लेयर के ऊपर ऐड करूंगा डीप ग्लो और इट विल स्टार्ट शाइनिंग, बट ये हमको नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि सिर्फ व्हाइट व्हाइट जो आउटलाइंस है वो ग्लो करे। तो मैं इसको 90 तक इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दूंगा एंड देन इसका अमाउंट और रेडियस जो है वो चेंज कर लेते हैं। रेडियस में कर लूंगा 150, अमाउंट 0.9 करके देख लेते हैं 0.9। डीप ग्लो के ऊपर यू कैन एक्चुअली ऐड कर्व्स, क्योंकि डीप ग्लो से जो डार्क और जो मिड टोन्स रहती है वो बहुत ज्यादा फेडेड हो जाती है। यू कैन सी दिस रेड ये बड़ा थोड़ा व्हाइटिश लग रहा है, तो तुम जैसे हाईलाइट्स तो अपने को रखनी, मिड टोन्स और डार्क को थोड़ा सा नीचे ऐसा पुल कर सकते हो। तो कर्व्स लगा के बेसिकली द पॉइंट इज कि तुम चीजों को एडजस्ट कर सकते हो कलर्स को, ताकि वो बिल्कुल एकदम ऐसा फेडेड ना लगे। अनदर थिंग इज मैं इसमें थोड़ा सा क्रोमेटिक ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूंगा 0.2 में भी, 2 इज एक्चुअली टू मच, 1 कर लेते हैं। वी हैव एडेड टेक्स्ट, वी हैव दिस बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड इनफ। तो मैं जो ये स्विच है इसको डिसेबल करता हूं, जो अपना ओवरले है उसको इनेबल करते हैं एंड इट इज लुकिंग गुड इनफ। आफ्टर इफेक्ट्स के लोगों को मैं इनेबल करूंगा एंड इसको स्केल करते हैं अपन, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको स्केल किया एंड इसको मैं लेके आऊंगा यहाँ पर, ठीक है, दिस विल लुक गुड इनफ। एंड इसको सोलो कर लेता हूँ फॉर नाउ, डब्ल्यू प्रेस करके इसको रोटेट कर लेंगे लाइक दिस, स्केल करते हैं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको मैं कैरेक्टर के पीछे कर लूंगा, इसके ऊपर अपन लगाते हैं डीप ग्लो, बट उससे पहले मैं लगाऊंगा ड्रॉप शैडो एक्चुअली, जैसे थोड़ा जो बैकग्राउंड है उससे सेपरेट हो जाए बेसिकली। दिस इज लुकिंग गुड इनफ। इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा डीप ग्लो, अमाउंट को बढ़ा के 1.5 कर लेते हैं, रेडियस को कम करके। सो वी हैव एडेड द आफ्टर इफेक्ट्स लोगो एज वेल। नेक्स्ट थिंग जो हमको ऐड करनी है वो एक एडजस्टमेंट लेयर और सबसे ऊपर मैं इसको रखूंगा, इसको डुप्लीकेट कर लूंगा एंड देन नीचे वाली पे लगा देते हैं ऑप्टिकल फ्लेयर्स। तो मैं ऐड करूंगा, देन जाएंगे ऑप्टिकल फ्लेयर्स के ऑप्शंस में और यहाँ पे कोई भी फ्लेयर तुम पिक कर लो, हम उसका कलर बाद में चेंज कर ही सकते हैं। देन इसको मैं थोड़ा यहाँ रख दूंगा टॉप लेफ्ट पे, जैसा कि हमारे सीन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और मैं इसको स्केल इंक्रीज करूंगा लाइक दिस। देन सेंटर को थोड़ा मूव करके मैं पास लेके आऊंगा सो दैट ये जो पूरा फ्लेयर वगैरह और सर्कल वगैरह ये हमको क्लियरली यहाँ पे विजिबल रहे। देन वी विल सेट इट टू ओवर ओरिजिनल एंड वी हैव एडेड द फ्लेयर। और तुम देख सकते हो फ्लेयर ऐड करते ही इस पूरे चीज सीन का जो लुक है वो कितना चेंज हो गया है। तो मैं अभी के लिए जो ये ओवरले जो ऑप्टिकल फ्लेयर है इसको मैं रेड कलर में ही रख रहा हूँ। इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं कुछ पार्टिकल्स, तो इस एडजस्टमेंट लेयर पे मैं ऐड करूंगा। इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं अभी सोलो कर रहा हूँ, देन आई विल ऐड पार्टिकल्स। तो ट्रैप कोड पार्टिकुलर मैंने ऐड कर लिया है और पार्टिकुलर का भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो अगर तुमने नहीं देखा तो तुम वो भी देख सकते हो। नाउ आई विल गो टू द एमिटर, इसका साइज
टाइप को अपन पॉइंट की जगह बॉक्स कर देंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर का जो स्विच है इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, सो अपने को पार्टिकल्स विजिबल है अभी, और पार्टिकल्स को थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं लाइक दिस। टाइम में पैरामीटर इंडिविजुअल पे जाएंगे, इसकी जो एक्स पोजीशन है उसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा और इसकी जो पोजीशन है उसको मैं ऐसा यहाँ कर दूंगा ओके, ताकि लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट किसी भी तरह से हमको पार्टिकल्स जो है वो आते हुए दिखे। फिजिक्स में जाऊंगा, एयर में जाऊंगा और जो विंड की एक्स की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दूंगा ताकि पार्टिकल्स ऐसा आते हुए दिखे। नाउ इसकी जो वाई है उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि पूरे एरिया को ये कवर करे, दिस विल लुक गुड। जी को भी थोड़ा बढ़ा ही देते हैं। देन नेक्स्ट थिंग वी विल गो पार्टिकल और इसकी लाइफ रैंडमनेस को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा 50, साइज रैंडमनेस को 50 कर लेते हैं, ओपेसिटी रैंडमनेस को 20 कर लेते हैं। तो वी आर गेटिंग बेसिकली सम रैंडम पार्टिकल्स हियर एंड देयर। इसके मोशन ब्लर को इनेबल कर, यू विल सी ये पार्टिकल्स जो है वो ऐसे लाइन में आ गए। This is what I actually wanted. Now, अगर तुमके इसको लुक को थोड़ा और क्लियर करना है तो तुम जाओ रेंडरिंग में and you will have motion blur option. इसमें ओपेसिटी बूस्ट को तुम इंक्रीज कर सकते हो तो तुम्हारे जो पार्टिकल्स है वो थोड़े ज्यादा फेड जो ये हुए हैं मोशन ब्लर के कारण उनका वो लुक फिर से नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा। तो ये 20 तो बहुत ज्यादा हो गया, आई थिंक 7 वुड बी इनफ। लेकिन मेरे को बिल्कुल व्हाइट ये व्हाइट लाइन नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो फेडेड चाहिए बट नॉट दैट मच फेडेड ओके, 7 इज इनफ ओके। और एक और चीज मैं करूंगा, ये थोड़े ज्यादा थिक है मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इनको थोड़ा सा 4 या 3 कर लेता हूँ। एक और चीज जो तुम कर सकते हो, जैसे कि मोशन ब्लर के अंदर ही अगर मान लो ये लाइंस जैसे इतनी लंबी दिख रही है तुम्हें, ज्यादा लंबी या कम लंबी रखनी है, तो तुम इसमें जाके इसको कॉम्प सेटिंग की जगह ऑन कर दो, देन तुम्हारे पास ये 360 है, 360 0 है, तुम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और वो जितनी तुम वैल्यू इंक्रीज करोगी उतना ज्यादा जो लाइंस है वो उतनी ज्यादा लेंदी होती जाएगी ठीक है। थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं ठीक है, इतना ठीक है। अब ये पार्टिकल्स मैंने ऐड कर लिए, इसके ऊपर ऐड करते हैं डीप ग्लो एंड वी हैव सम पार्टिकल्स हियर इन आवर सीन जो कि कैरेक्टर के ऊपर भी आ रहे हैं विच आई डोंट रियली लाइक। एडजस्टमेंट लेयर जो पार्टिकल वाली है उसको मैं कैरेक्टर के नीचे रख दूंगा बट मैं उसको चेयर के ऊपर रख रहा हूँ डेलिबरेटली ताकि वो थोड़ी बहुत चेयर के ऊपर दिखेंगे तो अच्छे लगेंगे ठीक है। नेक्स्ट जो इनका अमाउंट है वो तुम अब एडजस्ट कर सकते हो, आई थिंक 100 को ज्यादा है तो मैं 75 कर लूंगा आई गेस। और डीप ग्लो का अमाउंट बहुत कम लग रहा है, मैं थोड़ा बढ़ा ही देते हैं। तो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को एक्चुअली डुप्लीकेट करूंगा, इसके ऊपर ऑप्टिकल फ्लेयर लगा हुआ है एंड इसके ऊपर से मैं ये हटा दूंगा, इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा लुक्स ये ठीक है। और इस ऑप्टिकल फ्लेयर का मैं बताता हूँ हम कहाँ यूज करने वाले हैं ओके। सो मैंने क्या किया, ऑप्टिकल फ्लेयर लिए दो और यहाँ पे थंबनेल के बिल्कुल लाइन पे दो लगा के उनको सीसी लेंस से वार्प कर दिया है, आई थिंक दिस मच इज इनफ। लास्ट चीज हम करते हैं, जो लास्ट चीज मैं करता हूँ वो है लुक्स। तो इस लुक्स वाले लेयर के ऊपर आई विल जस्ट ऐड लुक्स, यहाँ पे मैं जाऊंगा एडिट के अंदर, तो आई एम इनसाइड ऑफ लुक्स। सबसे पहली चीज जो तुम कर सके हो वो तो तुम्हारा कैरेक्टर, ये जो पूरा थंबनेल है उसको एक बार अच्छे से देख लो इफ यू आर हैप्पी विद एवरीथिंग। मुझे तो सारी चीजें ठीक लग रही है। नेक्स्ट इज तुम लुक्स में जाओ, यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट रहते हैं एंड तुम इनको लगा के एक्चुअली चेक कर सकते हो अगर तुम्हें कोई पसंद आ रहा है। आई डू इट, मैं बेसिकली इसको रीसेट कर रहा हूँ एंड नाउ आई बेसिकली नो कि मेरे को करना क्या है। तो मैं सबसे पहले तो जाऊंगा कॉन्ट्रास्ट में, आई नीड टू गिव इट सम कॉन्ट्रास्ट, इतना ज्यादा नहीं, ब्राइट्स को थोड़ा कम कर लो एंड डार्क थोड़ा सा या लाइक दिस। इसके बाद में कलरिस्ट ऐड करेंगे सो दैट कर्व्स में अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर सके अच्छे से एंड वी हैव दिस। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ और जो डार्क है उनको मैं थोड़ा नीचे पुल कर लूंगा, दिस इज लुकिंग गुड इनफ। उसके बाद में शेडोज वगैरह को सैचुरेशन दे सकते हो, लाइक कलर दे सकते हो ब्लू या फिर एनीथिंग यू वांट, बट मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगा ओके। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड लुक हियर। यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा देते थोड़ा सा रेड का, so this is without CC, this is with CC. We have something saturated and something dark. Element layer के ऊपर एक effect add कर रहा हूँ Shadow Studio 2, जिससे ये back जो हमारे पूरा background है उससे बिल्कुल separate ही हो जाए। Distance 100, softness 100, opacity and 10 कर दो और selection नीचे कर लेते हैं और इसका color बिल्कुल ब्लैक ना करते हुए हल्का सा रेड की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो एक लास्ट चीज तो तुम कर सकते हो वो है कैरेक्टर को थोड़ा सा ग्लो देना ओके। तो मैं जो अपना कैरेक्टर है उसके ऊपर डीप ग्लो ऐड कर सकता हूँ एंड ऑब्वियसली आई विल जस्ट गो टू द इनपुट ऑप्शन और इसका थ्रेशोल्ड हम बढ़ा देंगे जब तक अपने जो हाइलाइट्स है वही विजिबल ना हो जाए एंड लाइक दिस। आई थिंक दिस मच वुड बी इनफ। इसको सॉफ्टनेस दे देते हैं 20 की, इसका अमाउंट में 0.5 कर लूंगा, रेडियस 300 कर लूंगा, सो देयर इज जस्ट सटल ग्लो ऑन, सो आई थिंक दिस वुड बी इनफ। सो दिस इज हाउ आई क्रिएट माई थंबनेल्स एंड दैट वुड बी इनफ फॉर द ट्यूटोरियल। नाउ वी आर गोना सेव इट। सेव करने का तरीका है जस्ट कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करो
करो तो तुम्हारे पास एफएक्स कंसोल आ जाएगा। इसमें कैमरा आइकन जो है इसको तुम क्लिक करोगे तो इस पूरे फ्रेम का स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो जाएगा। तो दिस इज हाउ आई क्रिएट माय थंबनेल्स। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा एंड इट वाज हेल्पफुल टू यू, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट अगर तुम्हें कोई डाउट या सजेशन हो, डिस्कॉर्ड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा तुम वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।